बंगाल में बीरभूम की हिंसा को लेकर टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल आज गृहमंत्री अमित शाह से मिला। हमारे साथ हैं दिलीप घोष, बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता। दादा, आप लोग तो राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन टीएमसी कह रही है कि गवर्नर गलत काम कर रहे हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, ये इनके पास जो कोई इशू नहीं रहता है, इस प्रकार घटना होता है, उनका असलियत सामने आ जाता है, सरकार विफल हो जाती है, तब वो लोग टारगेट करते हैं गवर्नर। आज 4 दिन के बाद चीफ मिनिस्टर वहाँ जाके पहुँचे, सारे पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पहुँच गए, दूसरे सरकारी लोग आ गए। आज क्यों लगा 4 दिन? तूफान होता है बंगाल में, दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं और मीटिंग करके उनको सहायता करके आते हैं। क्यों चीफ मिनिस्टर नहीं आती? क्योंकि लोगों के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं, और चीफ मिनिस्टर जाके उन्हीं लोगों को नाम ले रहे हैं जिनके बारे में हम बोल रहे थे कि उनको अरेस्ट करना चाहिए, इनको पूछताछ करना चाहिए। उनका ब्लॉक प्रेसिडेंट अनारूल जो खड़ा होकर बोल रहा था कि एक मर्डर का तो प्रतिक्रिया होगा ही, आज उनको अरेस्ट करने के लिए ममता बनर्जी बोल रही, तब पुलिस कार्रवाई कर रही। और ममता बनर्जी वो प्रश्न उठा रहे हैं कि एक मर्डर के बाद क्यों पुलिस पोस्टिंग नहीं हुआ, ये बात हम बोल रहे थे, आज वो बोल रहे थे, तब पुलिस हरकत में आया। एक थानादार का भी अधिकार नहीं है अपराधी को छूने का जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बोलेंगे। चीफ मिनिस्टर नाम बोलने के बाद उसको पुलिस अरेस्ट करेगा? ये सरकार की सर्कस चल रहा है। हम यही बात करें कि सरकार नाकाम हो चुकी है लोगों का जानमाल संभालने में, इसलिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हो, ये डिमांड हम करके आए थे माननीय अमित शाह जी के पास। इसको लिपापोती करने के लिए, उनको समझाने के लिए सुदीप बाबू लोग गए थे कि, और ये डिमांड आ रहा है कि वहाँ से लोगों को नज़र हटाने के लिए गवर्नर की तरफ इन लोगों ने इशारा करा है। सुदीप दा भी हाउस में बोल रहे थे अमित शाह जी से मिलने के बाद कि अमित शाह ने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए हिंसा को लेकर। नहीं, किसने राजनीति किया? उनके नेता मारा गया और वो बोलते हैं राजनीतिक मामला नहीं है। राजनीतिक मामला है कि नहीं आप तो करिए, लेकिन इतने लोगों की मर्डर हुई है, नृशंस हत्या हुई है, इसका छानबीन नहीं होना चाहिए? सजा नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं अरेस्ट होता था? आपके नेता है इसलिए अरेस्ट नहीं करेंगे? आज चीफ मिनिस्टर उनका नाम लेके बोलते हैं इसको अरेस्ट करो, चीफ मिनिस्टर के नाम बोलेंगे फिर सरकार काम करेगी? ये सर क्या सरकार है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो गवर्नर पर इसलिए आक्रमण किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है ताकि मूल बात से ध्यान हटाया जा सके, ये आरोप लगा रही है बीजेपी। प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।